सीबीआई की जो पेपर लीक से संबंधित इंक्वायरी है वो 90 दिन के भीतर ये सरकार जनता के अदालत में लाए, विधानसभा के पटल पर रखे। स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक मंडी गिविंग नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर ने मांग उठाई है कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच 90 दिनों में पूरी की जाए और जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पटल पर रखा जाए। यदि सरकार 90 दिनों में जांच पूरी नहीं करवाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करेगी। यह बात सुखविंदर सिंह ठाकुर ने आज मंडी में युवा कांग्रेस द्वारा क्रमिक अनशन में भाग लेने के बाद कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट चुनावों के बाद आए। यदि जांच में देरी की गई और कोताही बरती गई तो फिर कांग्रेस इसे लेकर उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, सीबीआई का मामला दर्ज हुआ है। अगर सीबीआई का मामला दर्ज हुआ है तो सीबीआई का मामला दर्ज करना महज औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। सीबीआई की जो पेपर लीक से संबंधित इंक्वायरी है वो 90 दिन के भीतर ये सरकार जनता के अदालत में लाए, विधानसभा के पटल पर रखे, सब लोगों को बताया कि कौन लोग इसमें शामिल थे, तब सच्चाई सामने आएगी। महज चुनाव के वक्त 6 महीने रह गए हैं और सीबीआई की रिपोर्ट चुनाव के बाद आएगी तो ये अपने आप को ढकने का एक काली करतूत होगी। हम जनता से उम्मीद करेंगे कि विधानसभा का जब सत्र शुरू हो उसमें ये सीबीआई की रिपोर्ट, जो सीबीआई की इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पटल पर रखी जाए। लेकिन 70 अभी 1-1.5 महीने में शुरू होना है, लेकिन 90 दिन के भीतर अगर नहीं रखी जाएगी तो कांग्रेस पार्टी तेज आंदोलन करेगी। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।